अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। और जैसे कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में क्लियर किया था, इसी तरह जब बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क मैनेजमेंट की तो वहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कम्युनिकेशन मॉडल का। लाजमी सी बात है, जब डिफरेंट डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो उसमें कोई ना कोई मॉडल तो यूज़ हो रहा होगा। जो मॉडल वहाँ पर यूज़ होता है उस मॉडल को हम कहते हैं कम्युनिकेशन मॉडल, कि किस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं और कौन सा मॉडल वो यूज़ कर रही हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम उसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स उर्दू में जानना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास कम्युनिकेशन मॉडल में जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है, या आप कह लो कि डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे होता हुआ हमारा डेटा सेंडर से रिसीवर के पास जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी फ्रेंड ने अगर आपको कोई फाइल शेयर की है तो वो डायरेक्टली आपके पास नहीं पहुंच गई, वो किसी पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करते हुए आपके पास पहुंचती है। तो वो बीच में जो मॉडल आता है हमारे पास, वो कौन सा मॉडल है, कौन कौन से स्टेप्स बीच में यूज़ होते हैं, वो उस मॉडल वो कंप्लीट स्टेप्स, वो मॉडल हम आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है सेंडर का, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर बंदा कोई भी पर्टिकुलर फाइल शेयर करता है किसी दूसरे बंदे के साथ। ठीक है, वो जो डेटा उसने शेयर किया है वो जाता है सेंडर के से ट्रांसमीटर के पास। ठीक है, इसको आप कहो ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है आपके डेटा को इनटू द सिग्नल्स। लाजमी सी बात है, जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे डेटा को जो समझ नहीं सकता, वो वी ऑल नो कि वो हमारे पास जीरोज एंड वंस की लैंग्वेज समझता है। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, आपके पर्टिकुलर डेटा को, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड ने कोई भी डेटा सेंड किया है तो वो उसको सेंड कन्वर्ट करेगा किस में, सिग्नल्स में, जीरोज और वंस में। ठीक है, ट्रांसमीटर के बाद आपका डेटा जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम के पास। ट्रांसमिशन सिस्टम से होता हुआ वही डेटा जाता है रिसीवर के पास। अब रिसीवर का काम क्या है, जो भी जीरोज एंड वंस की फॉर्म में उसके पास डेटा आया है वो उसको अगेन कन्वर्ट करता है किस में, ओरिजिनल डेटा में। जो डेटा आपके फ्रेंड ने सेंड किया, अगेन वो यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है एंड देन वो जाता है डेस्टिनेशन के पास, यानी कि जिसके पास वो डेटा सेंड किया गया है। तो हमारे पास कम्युनिकेशन मॉडल में ये एक पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, पहले सेंडर डेटा सेंड करता है, वो जाता है ट्रांसमीटर के पास, ट्रांसमीटर उसको सेंड कर देता है ट्रांसमिशन सिस्टम के पास, ट्रांसमिशन सिस्टम से वो डेटा रिसीवर के पास होता हुआ जो कि जीरोज एंड वंस के डेटा को अगेन ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, वो डेटा चला जाता है हमारे पास डेस्टिनेशन के पास। हमें तो ये लगता है कि एक पर्सन ने डेटा सेंड किया और डायरेक्टली दूसरे पर्सन के पास आ गया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जो बीच में कंप्लीट मॉडल यूज़ होता है वो ये मॉडल है। आई होप ये कम्युनिकेशन मॉडल आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक दे सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम या कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।